आर्थिक स्थिति की चिंता नहीं है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसकी चिंता नहीं है, अकोला के किसान परेशान हैं उसकी चिंता नहीं है, देश भर के किसान परेशान हैं उसकी चिंता नहीं है, नौजवान बेरोजगार हैं उसकी चिंता नहीं है। किस बात की चिंता है? ध्यान भटकाओ, लोगों का ध्यान इन मुद्दों से भटकाकर उनको ऐसा उलझा दो पूरे समाज को कि समाज आपस में ही उलझकर रह जाए और जो मौलिक मुद्दे हैं देश के उसकी तरफ से ध्यान भटक जाए। यहीं पर इसी शहर में आकर देश के गृह मंत्री महोदय ने बयान दिया सार्वजनिक रूप से कि हम एक इंच नहीं हटेंगे। ये कोई प्रजातांत्रिक बयान नहीं है, डंके की चोट पर, डंके की चोट देश के गृह मंत्री को यह शोभा देता है? आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पद को शोभा देता है? लेकिन सत्ता का घमंड, हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं, किसी को रौंद सकते हैं, जनमानस को नज़रअंदाज कर सकते हैं, इस नीत पर आज की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो ये चल रही है। और मैंने कहा स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा, लोग अगर शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर, महिलाएं बैठी हैं, तो आप उनका रजाई और कमल उठा कर ले जाएंगे? इसको टेररिज्म की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। इस ठंडक में है उनके कमल और रजाई उठा कर ले गए, कल कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं और इसीलिए शांति की बहुत ज़रूरत है इस देश में और हम लोग ये शांति यात्रा लेकर चले। इसी के लिए हर जगह जाके हम अपना संदेश आपके माध्यम से और जिन लोगों से हम लोग मुखातिब होते हैं उनके माध्यम से हम लोग अपना संदेश दे रहे हैं। और मैं दो तीन ही बातें अंत में आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम लोग मुंबई गेट ऑफ इंडिया से चले तो वहां पर भी शरद पवार जी आए थे सी ऑफ करने के लिए और कई पार्टियों के लोग वहां पर थे। हम सबका समर्थन, सबके समर्थन का स्वागत करते हैं, राजनीतिक दलों के समर्थन का स्वागत करते हैं, जो गैर राजनीतिक संगठन हैं उनके समर्थन का स्वागत करते हैं और जगह जगह हमको ऐसा समर्थन मिलता रहा है। 30 तारीख को इस आंदोलन का अंत नहीं होगा, 30 को राजघाट पहुंचने के बाद हम लोग पुनः बैठ के विचार करेंगे कि आगे इसको कैसे हम लोग चला सकते हैं और फिर आपके माध्यम से देश की जनता को बताएंगे। मैं कानून के बारे में सिर्फ 3 बातें कहना चाहता था। नंबर 1, मैं मानता हूं कि ये देश के संविधान के ही खिलाफ नहीं बल्कि संविधान के मौलिक ढांचे के विपरीत है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2, ये जो कानून बना है इसकी कोई आवश्यकता थी ही नहीं क्योंकि पहले के कानून में ही सरकार को अधिकार था कि वो जिसको चाहे नागरिकता दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम हर जगह बोल रहे हैं कि देयर वाज नो नीड फॉर दिस काइंड ऑफ एन अमेंडमेंट इन द सिटीजनशिप लॉ बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड ऑलरेडी द पावर टू ग्रांट सिटीजनशिप टू एनीबडी इट विश्ड। जैसे वो पद्मा अवार्ड देते हैं अदनान सामी को, उन्होंने सिटीजनशिप मिला और उसके बाद उसको पद्मश्री मिला, तो उसी तरह सरकार को अधिकार था कि वो जिसको चाहे उसको दे सिटीजनशिप। बड़े गुलाम अली खां को दिया, अदनान सामी को दिया, सोनिया गांधी को दिया, हजारों लोगों को इसी सरकार ने सिटीजनशिप दिया है पिछले 5 सालों में। तो धर्म पर आधारित ये करने की क्या आवश्यकता थी? कहीं कहीं हमसे लोग पूछते हैं कि भाई सताए हुए लोग, ये वो लोग, इनको क्यों नहीं, इसमें क्या आपको एतराज है? तो हमने कहा दे दे, कानून में अधिकार है आपको, आप दे देते उन लोगों को, ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद तीसरा जो बिंदु मेरा है कानून के बारे में वो ये है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। सरकार ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है लॉ में, उस भाषा को देखते हुए इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है और शायद सरकार की मंशा भी यही है कि इसको मत इम्प्लीमेंट होने दो और केवल भटका के रखो लोगों को। उत्तर प्रदेश इतना निराला स्टेट है पूरे देश में कि यहाँ एक पीलीभीत के कलेक्टर साहब हैं, गुजरात में मैंने उनका एक हिंदी अखबार में बयान देखा
कि 37,000 लोगों को उन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है जिनको सिटीजनशिप देना है। अब बताइए, नियम नहीं बना, किसी की अर्जी नहीं आई, सिटीजनशिप एक व्यक्ति को मिलेगा ना, इट विल बी ग्रांटेड टू एन इंडिविजुअल, नॉट टू ए एंटायर एरिया और ए डिस्ट्रिक्ट और ए कम्युनिटी। हर आदमी को अर्जी देनी पड़ेगी, यही कानून में लिखा है, टू अक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। उसका जांच पड़ताल जो भी होना है होगी, कुछ नहीं। और उत्तर प्रदेश में जिले जिले में लोगों को आइडेंटिफाई कर दिया है जिनको देना है। तो ये एक अजीब परिस्थिति देश में बन गई है, और उसी के विरोध में और शांति स्थापित करने के लिए हम लोग इस यात्रा में निकले हैं। मैं अपनी तरफ से इतना ही आपसे कहना चाहता था, हमारे बाकी साथी आपको संबोधित करेंगे। हमें वो दिन याद करना चाहिए जब सरकार ये बात कहती थी कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, किसी तरह का इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। आखिरकार अगर ये ट्रांजैक्शन हो रहा था तो भारत सरकार की वो एजेंसियां क्या कर रही थी जब वो ट्रांजैक्शन हो रहा था? जो लोग ध्यान हटाना चाहते हैं, कम से कम ये सार्वजनिक करें कि वो किन किन तारीख में और कहां से वो पैसा आया है। याद कीजिए, आप सब हम लोग बैठे हैं यहां पर, एक हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग का DHFL, क्या था नाम, DHFL, क्या हम लोगों ने नहीं पूछा था कि DHFL में किस समय पर RTGS हुई है? क्या सरकार ने बताया RTGS कब हुई? उसके बहाने DGP साहब ने अपना पूरा कार्यकाल कर लिया। क्या आपको ही नहीं पता? तो कम से कम ये सरकार बताए कि इतना बड़ा 120 करोड़ का अमाउंट जो आप कह रहे हैं और भारत आया है या भारत में ही कुछ अकाउंटों में पहुंचा है, तो आखिरकार भारत की इतनी महत्वपूर्ण एजेंसियां क्या कर रही थी? अरे एक समोसे के लिए फाइनेंस, जो कंबल दिया था वो कंबल छीन ले गई पुलिस। अरे कम से कम पुलिस के लोगों से कहो कंबल वापस कर दें। ये कहां 5 बिंदु बात है? अरे जो डंका की बात कर रहे थे कि डंका बज रहा है, उनकी ढबली फट गई, अर्थव्यवस्था की पूरी ढबली फट गई, इसलिए वो ध्यान हटा रहे हैं। और कम से कम आपको ये कहना चाहिए कि आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बड़े चैनल पे सच बोल रहे थे और वो अभी भी लाइव चल रहा है। एक मिनट, बात खत्म हो जाने दो सीनियर साहब, ये सबसे सीनियर हैं। तो एक इतना सच बोल रहे थे, अभी भी लाइव चल रहा है, सच, पूरा इंटरव्यू सच बोल रहे थे। अरे कम से कम अगर सच मारा जाएगा, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का क्या रास्ता था? सत्य का रास्ता था। उनका रास्ता क्या था? देश दुनिया के लोगों को उन्होंने समझाया अहिंसा की ताकत क्या है। ये सरकार बैठी हुई सत्य को मार रही है और हिंसा का सहारा ले रही है। इसीलिए मैं समझता हूं आदरणीय यशवंत सिन्हा जी की ये यात्रा और महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब गांधी शांति यात्रा निकाल लें तो कम से कम देश समझे कि हमारे पुराने पूर्वज लोगों का मूल्य क्या थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने क्या रास्ता दिखाया था? वो गुजरात के थे, क्या रास्ता दिखाया उन्होंने, और अब क्या रास्ता दिखाया जा रहा है? आप बेहतर समझते हैं उन बातों को। राज्यपाल जो राज्यों में है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह बिहेव कर रहे हैं कि पार्टी फंक्शनरीज की तरह बिहेव कर रहे हैं? चाहे वो केरल के राज्यपाल हों या वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हों या कहीं और के राज्यपाल हों, दे आर बिहेविंग लाइक नॉमिनीज ऑफ द पार्टी। तो ये तो धज्जियां उड़ गई हैं संविधान की, तो इस बात को लेकर हम लोग क्यों इतनी चिंतित हैं? बाकी बातों के बारे में भी चिंता करनी चाहिए। एक मिनट, टू देखिए क्या हुआ है कि
ये स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि एयर इंडिया जैसी संस्था भी बिक नहीं रही है बाजार में. देर इज नो एपेटाइट टू परचेज एयर इंडिया, हमारी बाजार में नहीं, दुनिया के बाजार में. तो गवर्नमेंट तो फेल कर गई है वहां पर. मतलब हम सब कुछ लुटाने को तैयार हैं, 100% बेचने को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं, फिर भी नहीं कोई खरीदार है. इससे बुरी स्थिति तो मैं समझता हूँ कि हमने कभी पहले मंसूब महसूस नहीं किया. वो पैसा बेचकर यूपी में लगेगा. नहीं नहीं, आप देखिए एक बात वो नहीं कहा हमने कि 170 या 75 करोड़ रुपया इन्होंने डाका डाला, आरबीआई के रिजर्व्स के ऊपर ले लिया. अब वो किसको दिया? वो दिया एक लाख 45 हजार करोड़ इस देश के चंद कॉरपोरेट्स को. समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हम लोग बैठे हैं, 1,45,000 करोड़ थ्रू कॉरपोरेट टैक्स कंसेशन उन्होंने दे दिया. ये उन्हीं का सरकार का फिगर है. तो एक तरफ ढाका डालो ऑन व्हाट, ऑन रिजर्व बैंक, ऑन सेबी, ऑन अदर बैंक्स, और दूसरी तरफ किसको दो? यहाँ पर कॉरपोरेट्स को दे दो. ये नीति चल रही है, अजीबोगरीब जो मैं कह रहा हूँ ना, कि इट्स एब्सोल्युटली बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन कि क्या पॉलिसी है. हो गया, हो नहीं जाएगा. गवर्नमेंट इज बैंकक्रप्ट, ये कहीं मैंने कहा कि गवर्नमेंट इज ऑलरेडी बैंकक्रप्ट. दिस गवर्नमेंट हैज एब्सोल्युटली नो एल्बो रूम लेफ्ट ऑन द फिस्कल साइड, बिकॉज इट्स अ 5 साल में 6 साल में इन्होंने भारत सरकार को दिवालियापन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है. नहीं, बिल्कुल पैदा हो रहा है. संवैधानिक संकट बिल्कुल पैदा हो गया है, क्योंकि राज्य सरकारों को आप नज़रअंदाज करके नहीं चल सकते हैं. किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनका पूरा कोऑपरेशन चाहिए. अब मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स, कि नहीं राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर सकती हैं, आप इंस्ट्रक्शन इशू कीजिए. उसको फिर 6 महीना नहीं, 1 साल बैठे रहेंगे, 2 साल बैठे रहेंगे, अब क्या कीजिएगा? द ओनली इंस्ट्रूमेंट दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इज आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेजिडेंट रूल. लगा दो तो लगा दो. जितने विपक्षी दलों के शासित प्रदेश हैं सबको आप कर दो. ये कर भी सकते हैं, पागल लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं. हो सकता है कि लगातार ये कर दें, किसी दिन ज़्यादा गुस्से में आएंगे तो कश्मीर की तरफ विभाजित करके यूनियन टेरिटरी भी बना देंगे. सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, समाज को बांटने की. अब वोट बैंक की राजनीति थोड़ा बहुत सबको करते हैं, लेकिन एकदम समाज को बर्बाद करके वोट लिया जाए ये कभी मान्य नहीं हो सकता है. एक मिनट उधर ले लेते हैं जी. आप तो योगी जी की भाषा बोल रहे हैं. नहीं नहीं, उसमें ये जो सरकार में बैठे लोग हैं, जब सरकार से चले जाएंगे तो रजाई में मुंह छिपा करके रोएंगे. देखिए, एक तो बहुत सारे मुद्दे थे, बट एक मुद्दा आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि 27 सितंबर 2017 एक इम्पोर्टेंट डेट है. 27 सितंबर 2017 को अर्थव्यवस्था के ऊपर ही हमने एक लेख लिखा जो इंडियन एक्सप्रेस नामक अखबार में छपा.
हमारा मकसद था कि अर्थव्यवस्था की उस समय जो हालत थी उसकी ओर मैं उनका ध्यान आकृष्ट करूं, क्योंकि डायरेक्ट चैनल्स ख़त्म हो गए थे। तो आई थॉट कि हम मीडिया का सहारा लेके और सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे टू दी इकोनॉमिक सिचुएशन प्रिवेलिंग देन। उस समय भी हुआ था कि 6-7 क्वार्टर से अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही थी, तो हमने लिखा उस पर एंड आई हैड एक्सपेक्टेड कि गवर्नमेंट विल टेक नोटिस ऑफ इट एंड डू समथिंग। गवर्नमेंट ने उसको बिल्कुल ही दूसरे ढंग से लिया और मेरे ऊपर बहुत तरह के आरोप लगाए गए। और जब मैंने काउंटर अटैक किया, इसी तरह कहीं हम बैठे हुए थे और उन्होंने पूछा कि 5 पांडवों का नाम बताइए, तो लोगों ने फटाफट नाम बता दिए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। हमने पूछा कि 100 कौरवों का नाम बताइए, तो 2 नाम के आगे कोई नहीं बता सका। तो हमने कहा बीजेपी का यही हाल है आज। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग माय एडवाइस इन द स्पिरिट इन विच इट वाज ऑफर्ड, द गवर्नमेंट स्टार्टेड अटैकिंग मी पर्सनली। उस समय मेरी उम्र थी 80 साल के आसपास, अब नेचुरली 82-83 हो गए। तो उन्होंने कहा कि आई एम ए जॉब एप्लीकेंट एट द एज ऑफ 80, ये आरोप लगा मेरे ऊपर। तो वो अगर उस समय चेत गए होते हैं आज से 3 साल पहले, तो देश की आर्थिक स्थिति आज जो है वो नहीं होती। अब किसको ब्लेम किया जाए इसके लिए? पंडित नेहरू को, इंदिरा गांधी को, लाल बहादुर शास्त्री को, किसको ब्लेम कीजिएगा आप? 5 साल में आपने देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया। और जो मैं कह रहा था, फिर रिपीट करता हूं कि सरकार कंगाल हो गई है, दिवालिया हो गई है। दे हैव नो, एब्सोल्युटली नो रूम लेफ्ट अनलेस इस बजट में जो 1 फरवरी का आएगा, दे गो एंड बोरो आई डोंट नो लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज, लैक्स ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज। 10 लाख होगा, 20 लाख होगा, क्या होगा कहना मुश्किल है। और ये सरकार जो टैक्सेस लगा रही है पब्लिक के, जो ज्यादा टैक्सेस लगा रही है, उसको क्या कहेंगे कि टैक्सेस ज्यादा? नहीं, टैक्सेस ज्यादा कम क्या, जीएसटी लाए ना, जीएसटी का क्या हश्र हुआ? इन्होंने, अखिलेश जी ने जिक्र किया और भाई शत्रुघ्न सिन्हा बराबर बोलते हैं नोटबंदी के बारे में हर जगह, नोटबंदी ने जो डैमेज किया वो किया, उसका कुछ बचा था तो जीएसटी ने कर दिया उसका। नीम पर करेला चढ़ गया। तो ये अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना उस समय गोवा में जाकर, कहा उन्होंने कि 50 दिन, और 50 दिन के बाद जिस चौक चौराहे पर कहोगे मैं आ जाऊंगा, जो दंड दोगे उसका मैं भागी बनूंगा। आज कौन चौक, कौन चौराहा? कोई, उन लोगों ने बात ही करना छोड़ दिया है नोटबंदी की। और जितना पैसा वापिस आना, करेंसी था ना सर्कुलेशन, उससे ज्यादा रिजर्व बैंक के पास आ गया है, इसलिए रिजर्व बैंक खामोश बैठी हुई है। अब ये तो इंक्वायरी का विषय है कि कैसे आ गया है? कुछ समुंदर का रास्ता है, कुछ हो सकता है कि बीजेपी वालों ने कंट्रीब्यूट कर दिया हुआ ज्यादा। जी नहीं, एक तो ये मैं बता दूं आपको कि आधार का जो कानून इसी सरकार ने बनाया, उसी में साफ लिखा हुआ है कि आधार इज नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, इट्स अ प्रूफ ऑफ रेसिडेंस बट नॉट ऑफ सिटीजनशिप। पैन कार्ड ऑल्सो इज नॉट ए प्रूफ। जो प्रूफ अभी एक फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जिन लोगों ने वोट दिया वो नागरिक हैं, इसलिए वोट देने का अधिकार उनको है, तो उसको माना जाए कि हमारे पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड है तो हम इस देश के नागरिक हैं। क्योंकि अगर वो भी नहीं मानेंगे तो फिर किस आधार पर सरकार इलेक्ट हुई? नॉन सिटीजन्स के वोट पर सरकार इलेक्ट हो गई, एक ये है। दूसरी बात जो है वो ये है
कि सरकार को तय करना पड़ेगा कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर नीडेड टू प्रूव सिटीजनशिप। ये अभी जब नियम बनेंगे ना उसमें ये सब बातें स्पष्ट होंगी, वो अभी हुआ ही नहीं है। और जो मैं कह रहा था कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, उसका बहुत सिंपल एक एक्सप्लेनेशन ये है कि कानून में क्या लिखा है, ये अमेंडमेंट जो पास हुआ है कि दोज ऑफ बिलोंगिंग टू दीज सिक्स रिलीजन्स एंड द थ्री कंट्रीज हु केम इन टू इंडिया बिफोर 31 December 2014 कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट दे वेयर दे सफर्ड रिलीजियस परसिक्यूशन इन देयर कंट्री, रिलीजियस परसिक्यूशन और देयर वॉज फियर ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन। ये दोनों शब्द हैं कानून में कि या तो एक्चुअल हुआ या फियर। अब फियर तो मेंटल स्टेट है ना, आप कैसे साबित करेंगे? और मैं आपसे कह रहा हूं आप अप्लाई कीजिए फॉर सिटीजनशिप फ्रॉम पीलीभीत और आई विल गो एंड चैलेंज कि नहीं यू हैव नॉट अप्रूव कीजिए कि कैसे रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ। तो कैसे प्रूव करेंगे आप? एविडेंस यहां नहीं है, एविडेंस पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, अफगानिस्तान में है। व्हाट एविडेंस विल यू ब्रिंग टू प्रूव कि हमारा रिलीजियस परसिक्यूशन? अब वो भी कब, 25 साल पहले, 30 साल पहले, 10 साल पहले? इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक मिनट आपको रोकता हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि समाज को बांटने, समाज में आग लगाने के अलावा इस कानून का और कोई मकसद है ही नहीं। एक मिनट यहां जी, हाँ तो इट कांट बी असम्पशन इन लॉ कि जो कह रहा है वो उसको हम मान लेंगे। इट कांट बी, इट्स नॉट ए वैलिड असम्पशन। नहीं, हम ये कह रहे थे कि आपने रिजर्व बैंक ऊपर डाका डाला और उसके बाद कॉरपोरेट्स को, चंद कॉरपोरेट्स को आपने ये फायदा पहुंचाया। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा और अगर डिटेल में जाएंगे तो इसी फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने 5 जुलाई लास्ट ईयर के भाषण में कहा कि इसके पहले कॉरपोरेट टैक्स में जो हमने कंसेशन दिए हैं उससे 93% ऑफ द कंपनीज इन इंडिया आर कवर्ड, 93%। तो बाकी बचे 7%, 7% में देर आर आईटी कंपनीज विच एन्जॉय कंसेशंस विच आर गिवन टू आईटी कंपनीज, देर आर अदर कंपनीज, बिगर कंपनीज, उनको भी कंसेशंस दिया गया है बहुत तरह का, उनको ड्रॉबैक वगैरह की सुविधा है। तो उससे भी 7% से भी कम, 2-3% कंपनियों को ये फायदा पहुंचा और देश ने कितना खोया, 1,45,000 करोड़ रुपया। और दूसरी बात जो है, हर कोई आज बोल रहा है इस बात को कि अगर प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी में, प्रॉब्लम है डिमांड, डिक्लाइनिंग डिमांड। द टर्म आई यूज इज द इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग ए सिचुएशन ऑफ डेथ ऑफ डिमांड। और ये एग्रीकल्चर से शुरू हुआ, रूरल सेक्टर से शुरू हुआ, अब पूरे कॉरपोरेट सेक्टर में फैल गया है। तो आपको डिमांड को जनरेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गिव एनी फिलिप टू द इकोनॉमी। डिमांड जनरेट कैसे होगा? लोगों के हाथ में पैसा आएगा। सपोज ये 1.5 लाख करोड़ रुपये को अगर इन्होंने 75,000 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर के ऊपर खर्च किया होता, अनदर 75,000 करोड़ रुपीज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया होता तो इमीडिएटली डिमांड पिकअप करता, इमीडिएटली, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द कॉरपोरेट्स, उनको कंसेशन दिया, उनके बैलेंस शीट में, उस बैलेंस शीट को वो डिविडेंड के रूप में दे देंगे कि वो बैलेंस शीट का जो सरप्लस है उसको खर्च करेंगे, मार्केट में खर्च करेंगे, तब उसके बाद डिमांड जनरेट होगा। ये इतना लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड इसका है कि इसे इमीडिएटली कोई फायदा नहीं हुआ। एंड नाउ एवरीवन रियलाइजेस कि कोई फायदा नहीं हुआ। जी, किसान खुदकुशी करने के लिए मजबूर है इस देश में। किसान इस सरकार ने कहा, प्रशांत गवांडे जी हमारे बैठे हैं, कि हम 2022 तक, हाँ इनसे अभी इनका सेशन बाकी है,
तो किसान की इनकम को डबल करेंगे 2022 तक, अब ओनली 2 साल बचा है। किसानों की आमदनी में इजाफा होने के बजाय ह्रास हुआ है इन वर्षों में। लीजिए सद्धू जी, अब आप बोलिए। अब इनसे पूछिए, इनसे हम लोग अब बाकी सवाल प्राइवेटली बात कर लेंगे। हाँ शत्रु जी से बात की। इसलिए कि इतने अच्छा से इतने बढ़िया वातावरण में अखिलेश यादव जी के और यशवंत जी का जो आपने इनके सानिध्य में और यशवंत भाई का जो आपने मंत्रमुग्ध होकर सुना और मैं भी मंत्रमुग्ध हो गया, तो आप खामोश तो हम भी खामोश। ये बताइए कि आपको लग रहा है कि आप जो है पुराने विलन के रोल में आ रहे हैं, ऐसा बीजेपी नहीं कहेगी? अभी तो मुझे आप विलन के रोल में नजर आ रहे हैं, जिस तरह से आपने छेड़ने की कोशिश की है। चलिए थैंक यू वेरी मच। और इसके पहले कि हम लोग वहाँ जाएं या मिलें, चाहे जो लोग आप वहाँ आ रहे हैं वहाँ पे, ये हम इनके हिमायती होने के नाते, इनके समर्थक और प्रशंसक होने के नाते, स्टेट्समैन यशवंत सिन्हा जी को अपना बड़ा भाई मानते हुए, उनके निर्देशन में और सही मायनों में देश का आज के दिन युवा शक्ति का नेता, ये डैशिंग डायनेमिक हमारे अपने अखिलेश यादव के निमंत्रण पे, दीपक रंजन जी के कोऑर्डिनेशन पे आज हम यहाँ आए हैं। और यहाँ से यशवंत सिन्हा जी के साथ मुंबई से लेकर यहाँ तक जहाँ जहाँ यथाशक्ति यथाभक्ति रहा, मैं हमेशा साथ देता रहा हूँ और आता रहूँगा। खासकर इसलिए कि मेरा भी इन लोगों की तरह मानना है कि ये जो नीति है ये एंटी पीपल है। अगर मुझे इजाज़त होती तो मैं कह सकता था ये एंटी नेशनल पॉलिसी लेकर आई है सरकार। इसके साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये मैं भी डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि ये रुकेगा नहीं जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता और समाज में, देश में जब तक सुख शांति नहीं आ जाती। हम लोग सब साथ लगे हुए हैं, विरोध हो रहा है, हमारा भी हो रहा है और ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन इतना कह सकते हैं कि हम लोग का मानना है व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। हम टफ हैं और इस सिद्धांतों के आधार पे राष्ट्रहित में, जनहित में हम लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। नो NRC, नो NPR एंड नो CA। थैंक यू वेरी मच। और आप खामोश।